तो दोस्तों कभी तो हम लोग को पहले ही पता चल जाता है कि मार्वल की किसी मूवी का टीजर या ट्रेलर आने वाला है, लेकिन कभी अचानक मार्वल स्टूडियोज हम लोग को सरप्राइज दे देता है। उसी तरह हुआ था हम लोग को इटर्नल्स के केस में। हम लोग ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा, पर अब कहा जा रहा है ये तो बस शुरुआत है। आने वाले कुछ हफ्तों में मार्वल हम लोग को कुछ और नए टीजर ट्रेलर दिखाने वाला है, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन का भी। अब दोस्तों हम लोग आज समझेंगे कि कौन से ट्रेलर शामिल है, और यहाँ पे जानेंगे कि शैंगची का फर्स्ट लुक कैसा है, और यहाँ पे हम लोग को व्हाट इफ का टीजर ट्रेलर कब दिखाई देगा। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, और कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से नई एवेंजर्स टीम को कौन लीड करना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों जो आने वाले हफ्तों में हम लोग को प्रीव्यू देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ स्पाइडरमैन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसमें दो तीन मूवी शामिल है, जैसे कि थॉर 4, उसके बाद इटर्नल्स को कुछ नए लुक भी हम लोग को और देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ हम लोग ने इस हफ्ते ट्रेलर देख लिया, लेकिन उसके अलावा हो सकता है हम लोग को इसके विलन का पहला लुक दिखाई दे। और अगर हम लोग बात करें स्पाइडरमैन 3 की, जो कि है नो वे होम, तो यहाँ पे दोस्तों टॉम हॉलैंड का बर्थडे भी आ रहा है, तो मेरे हिसाब से प्रीव्यू में हम लोग को फोटो दिखा दी जाएगी जिसमें हो सकता है स्पाइडरमैन अपने दोस्तों के साथ हो, और या तो स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से बात कर रहा हो, क्योंकि बहुत लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हो सकता है हम लोग को पहली फोटो में बाकी दो स्पाइडरमैन दिखा दी जाए। तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग इटर्नल्स का भी ट्रेलर ध्यान से देखें, तो बहुत सी ऑडियंस ये सोच रही थी कि हम लोग को ट्रेलर में कुछ फाइट सीन दिखा देंगे, कुछ पुराने बींग ऐसे दिखाई देंगे जो कि इटर्नल से कनेक्टेड हो, जैसे कि पुराने थॉर या ओडिन। सबसे पहला टीजर ट्रेलर आता है वो काफी सिंपल तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन जो अगला ट्रेलर आता है उसमें काफी एक्शन होता है। उसी तरह मुझे लग रहा है स्पाइडरमैन के केस में भी होगा। हालांकि ये प्रीव्यू है, लेकिन प्रीव्यू के अलावा हो सकता है हम लोग को कुछ देर का टीजर भी दिखाई दे, जिसमें हम लोग को स्पाइडरमैन दिखाई दे वो काफी परेशान हो, लेकिन अचानक एंट्री हो जाती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। इससे ज्यादा कुछ हम लोग को नहीं दिखाई देगा। यानी दोस्तों अगर आप लोग पहले ही ट्रेलर में इधर स्पाइडरमैन की आने की उम्मीद कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम लोग को पुराने वर्जन के डॉक्टर ऑक्टो ऑक्टेवियस दिख जाते हैं, ऑडियंस को मजा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा चलिए हम लोग समझते हैं कि और क्या हम लोग को देखने को मिल सकते हैं इसके प्रीव्यू में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर स्पाइडरमैन का कोई नया कॉस्ट्यूम है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस मूवी में हम लोग को हैप्पी होगन भी दिखाई दे रहा है, तो अगर यहाँ पे स्पाइडरमैन हैप्पी होगन से कॉन्टैक्ट करके अपने लिए कोई नया आर्मर बनाता है, और वो ट्रेलर में पहले लुक में दिखा दिया जाता है, हो सकता है वो आयरन स्पाइडरमैन आर्मर को ही अपग्रेड कर ले, जैसे टोनी स्टार्क अपने आर्मर को हर मूवी में अपग्रेड करता रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑसम रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो कन्फर्म है, हम लोग को ये समझ में आ जाएगा बेसिक पहले टीजर ट्रेलर में ये मूवी का मतलब क्या है। यानी दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम का मतलब है कि वो अपने घर नहीं लौट सकता, वो किसी तरह बच के भाग रहा है, और तभी एंट्री भी हो जाती है यहाँ पे हम लोग के बाकी सुपर विलन्स की, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पीटर पार्कर को इस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मल्टीवर्स विलन कैसे आ रहे हैं, और यहीं पर दोस्तों बाकी एंट्री होती है दो स्पाइडरमैन की। वो सिर्फ एक ट्रेलर में हिंट रहेगा, एग्जैक्टली हम लोग को नहीं दिखाई दे सकते, क्योंकि दोस्तों अभी एकदम टाइम कम है, और हम लोग को हर महीने के गैप के बाद एक मार्वल मूवी दिखाई देने वाली है। जैसे कि अभी जुलाई में ब्लैक विडो आ रही है, फिर हम लोग को अगस्त में व्हाट इफ की टीवी सीरीज दिखाई देगी, फिर सितंबर में शैंगची आ रही है, उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर में इटर्नल्स रिलीज हो जा रही है, उसके बाद दोस्तों दिसंबर में हम लोग को स्पाइडरमैन 3 नो वे होम दिखाई देगी। लेकिन अभी भी दो टीवी सीरीज ऐसी बची जिसके बारे में हम लोग को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन उनकी फिल्मिंग कंप्लीट हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ मिस मार्वल की और हॉकाई की। अब या तो ये दो सीरीज में से कोई एक यहाँ पे हम लोग को 2021 में दिखाई देगी, बाकी जो अगली सीरीज है वो 2022 के स्टार्टिंग में दिखाई देगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो इटर्नल्स के बाद का गैप है बीच में नवंबर का, उसमें हम लोग को इनमें से कोई एक सीरीज दिखा दी जाए। यानी दोस्तों ऐसा कोई मंथ नहीं जाएगा जिसमें हम लोग को मार्वल कंटेंट देखने को ना मिले। और यहाँ पे अगर हम लोग कोई और मूवी की बात करें जो कि सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्टेड तो नहीं है, लेकिन असल में है मार्वल की ही मूवी, तो उसका नाम है वेनम, जिसके लिए ऑडियंस स्पाइडरमैन के लेवल की एक्साइटमेंट रखती है, क्योंकि इसमें वेनम है, कार्नेज है, इन सब के अलावा ऑडियंस को भी लगता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग को कोई ना कोई कनेक्शन देखने को मिलेगा वेनम और स्पाइडरमैन के बीच में। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें अगले प्रीव्यू की, तो वो है थॉर लव एंड थंडर का। आने में तो अभी काफी टाइम है, लेकिन फिर भी इसकी हाइप बढ़ाने के लिए सब किया जा सकता है। प्रीव्यू में हम लोग को हो सकता है थॉर का पहला लुक दिखाई दे, यानी कि मस्कुलर थॉर, और क्रिश्चियन बेल गॉड द गॉड बुचर बनके कैसे लगता है वो समझाया जाए। दोस्तों ये सब देखने में ऑडियंस को बहुत मजा आ गया। यानी 2020 में हम लोग ने जितना मार्वल कंटेंट को मिस किया था वो सब अब खत्म होने वाला है। अब हम लोग के पास इतना कंटेंट है कि जैसे एक कंटेंट देख के दिमाग हटेगा, तुरंत सामने हम लोग का दूसरा कंटेंट आ जाएगा। अगले प्रीव्यू की बात करें जिसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, लेकिन वो आ सकता है क्योंकि वो भी कनेक्टेड है स्पाइडरमैन 3 से, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं ये मूवी इतनी इंपॉर्टेंट है जिससे हम लोग को दूसरे यूनिवर्स को देखने को मिलेगा। सबसे खास बात इस मूवी की ये है कि हम लोग को इस मूवी का एक भी फोटो अभी देखने को नहीं मिला है,
जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि इस मूवी में डॉक्टर स्ट्रेंज का लुक भी चेंज होगा, कि अभी एक वीडियो मीटिंग हो रही थी जिसमें यहाँ पे जो डॉक्टर स्ट्रेंज के एक्टर है वो भी थे, लेकिन वो अपना फेस रिवील नहीं कर रहे थे। और यहाँ पे एक फोटो में ये भी बताया गया जो कि आ रही है सामने से, उसमें ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की बियर्ड भी गायब है। यानी दोस्तों, क्या वो अपनी ऑल्टरनेट रियलिटी यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने पास्ट में जा रहे हैं, ये सब नहीं पता, लेकिन मूवी काफ़ी ऑसम होने वाली है। और यहाँ तक ये भी दिखाया जाएगा कि विकन और स्पीड इस मूवी के एंड में काफ़ी बड़े भी हो जाएंगे, जो आगे जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ काम करेंगे। और एक केमियो हो सकता है जो कि हम लोग कंफ्यूज थे कि वो कहाँ गया, जिसका नाम है व्हाइट विजन। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना सब कुछ हम लोग को अचानक ऐसे क्यों देखने को मिल जाएगा, क्या हो गया? तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2 जून को केविन फेगी का भी बर्थडे है, वो उस दिन भी कुछ मेजर अनाउंसमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अभी माना जाता है कि ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो कि अभी मार्वल स्टूडियोज ने रिवील नहीं किया है, और ये सिर्फ फेज 5 का पार्ट नहीं है बल्कि फेज 4 में भी आते हैं। यानी दोस्तों एंड में हम लोग को केविन फेगी जो फेज 5 में आने वाले कुछ नए प्रोजेक्ट है उनके भी टीजर दिखा सकते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2021 की, तो अभी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट जिस मूवी की है वो है स्पाइडरमैन 3 की। तो यहाँ पे ऑडियंस को इसका पहला लुक देखने को मिल जाए, थोड़ा अच्छा भी लगे कि हाँ चलो मूवी में कुछ नया होने वाला है। क्योंकि अब जब इतनी सब थ्योरी आ रही है कि यहाँ पे मल्टीवर्स भी होगा, यहाँ पे बाकी स्पाइडरमैन भी आ गए, ऑल्टरनेट रियलिटी के विलन्स आ रहे हैं, टॉबी मैग्वायर आ रहा है, एंड्रू गारफील्ड आ रहा है, तो यहाँ पे अगर ये सब नहीं मिला तो ऑडियंस काफी हैरान हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस कीजिए, इतने महीने से सब डिस्कशन चल रहा है और यहाँ पे सोनी की एक डील भी हुई है डिज्नी के साथ। यानी दोस्तों कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले हैं सब लोग, जिसकी वजह से ये मूवी हो सकता है एवेंजर्स एंड गेम का रिकॉर्ड तोड़ दे या फिर उसके बराबर तक तो जरूर पहुंच जाएगी। अभी हम लोग कोई मार्वल मूवी देखते हैं, हर एक मूवी अगले मूवी से ज्यादा बेटर होती है, इसका जो लेवल है वो आगे बढ़ जाता है। दोस्तों इसके अलावा बात करते हैं अपने अगले अपडेट की, उसके रिलेटेड है शैंग-ची से। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक नई फोटो सामने आई है जहाँ पर हम लोग शैंग-ची को देख सकते हैं, उसकी दोस्त को देख सकते हैं और उसकी बहन को भी देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक टीजर ट्रेलर में हम लोग को शैंग-ची की यूनिक पावर नहीं पता चली है, जो कि है मल्टीप्लाई होना। जी हाँ दोस्तों, शैंग-ची एक समय पर ही सब काम कर सकता है, अपने कई रूप बना सकता है, जो कि नहीं दिखाया गया। हाँ कॉमिक बुक में ऐसा हुआ है, लेकिन क्या इस मूवी में दिखाया जाएगा? और यहाँ पे एक फेमस ड्रैगन भी है जो कि इस मूवी में आने वाला है। दोस्तों एक मूवी और है जिसका टाइटल तो रिवील हो गया कि वो क्या है, लेकिन उसकी स्टोरी के बारे में हम लोग को नहीं पता, जो कि है ब्लैक पैंथर 2 वकांडा फॉरएवर। ये मूवी ऑडियंस के दिल के काफी करीब है, क्योंकि इसमें किंग टचाला की लेगेसी को दिखाया जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि ब्लैक पैंथर का मेंटल किसी नए सुपर हीरो को मिलने वाला है, लेकिन वो कौन होगा? क्या वो शुरी होगी जो कि अपने दिमाग और टेक्नोलॉजी के बल पे वकांडा को संभालेगी, या फिर कोई और नया कैरेक्टर? वैसे यहाँ पे केविन फेगी ने ऑलरेडी रिवील कर दिया है कि जो ब्लैक पैंथर 2 मूवी है उसमें हम लोग ये देखेंगे कि वकांडा में और कौन से नए कैरेक्टर हैं जिनके पास काबिलियत है वकांडा का नया राजा बनने की, क्योंकि महाराज टचाला के बाद हो सकता है शुरी ब्लैक पैंथर बने। दोस्तों कुछ तो ऐसा होगा मूवी में जिसे देखने के बाद शुरी को लगेगा कि हाँ ये जो आदमी है ये वकांडा को बहुत सही से संभाल सकता है। दोस्तों अगर ऑडियंस टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी को मिस कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वकांडा के पास भी बहुत टेक्नोलॉजी है, और ये सब हम लोग को देखने को मिलेगा ब्लैक पैंथर 2 मूवी। दोस्तों ये थे एक अमेजिंग अपडेट रिलेटेड प्रीव्यू ट्रेलर से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन